राजस्थान गवर्नमेंट की जय हो। हाँ हो, देखते हैं कितनी एकता है आप सब में। भोले बाबा हरि हरि शंभो शंभो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द ब्लॉगर के साथ का ब्लॉग। मॉर्निंग से जल्दी स्टार्ट होने वाला था लेकिन मैं जल्दी जल्दी में चला गया। रीजन था इनकी वजह से। इन्होंने मेरे को सुबह 6:30 बजे का दिया क्योंकि आज मिलना था राशन कार्ड डे था। मेरे को पता नहीं, तो मेरे को याद नहीं था। इनको कल वो छोटे दादाजी आए थे, उन्होंने बता दिया। छोटे दादाजी पता नहीं किसने बताया, इनको किसने बता दिया। ये लोग क्या बोलते हैं, राशन मिला, राशन में पता है क्या क्या मिला। मैं दिखाता हूँ क्या क्या मिला इनको। मैं वहाँ जाकर ले आया, बहुत टाइम लग गया। ये मिला इनको राशन में इस बार। ये तो गेहूँ 5 किलो। हमारे घर में बस इनको ही मिलता है ये राशन का, पापा का नहीं मिलता। इनका अलग ही वो है जनादार, उससे मिलता है। और ये चीज़ें मिली हैं इनको, पकड़ो। और ये मिला है मम्मी दादी को सामान। ये मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैक योजना, इस बार ये मिल रहा है। इसके अंदर पता है क्या क्या है, दाल 1 किलोग्राम, चीनी 1 किलोग्राम, नमक 1 किलो, खाद तेल 1 लीटर, मिर्ची पाउडर 100 ग्राम, धनिया पाउडर 100 ग्राम, हल्दी पाउडर 50 ग्राम। काफ़ी है एक मंथ के लिए, तो काफ़ी है। हर मंथ की मंथ मिलता है ये, लेकिन हमें तो कुछ पता नहीं था। और कल पता लगा था, दी को तो दादी तो बोली लेके आना, तो कल ही। और ये देखो, ये तेल रहा, ये तेल मिला है, रिफाइंड तेल है ये, सोयाबीन का सोयाबीन तेल। बाकी ये दादी खोल रही है इनको, ये जो जो मिला है उनको, ये 5 किलो गेहूँ मिला है। राजस्थान गवर्नमेंट की जय हो। क्या क्या हो रहा है, ऐसा ही है यार। और ये गेहूँ के 5 किलो काफ़ी है एक मंथ के लिए, तो फिर अगले मंथ फिर मिल जाएगा, ऐसे मिलता रहेगा। सही है, बहुत बढ़िया है ये, गरीबों के लिए बहुत अच्छा किया है ये। मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है उनको, खाने के लिए तो मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और हर मंथ की मंथ मिलेगा, अब बढ़िया है ये, तो बहुत अच्छा सोचा है। तो फ्रेंड खा लिया मैं, और अब जाना है दादी को दवाई दिलाने, उनके पेट दर्द कर रहा है, तो उनको दिखाने जाना है। वहाँ तो घूम रहा था बढ़िया, मौज इंजॉय कर रहा था, लेकिन अब घर पे आते तो काम ही काम स्टार्ट हो गए सारे। और बिल का भी करना है, कॉम्प्लेक्स का बिल आ रखा, तो वो बिल का भी करना है। तो पहले दादी को दवाई दिला लेके आता हूँ। उससे पहले एक काम जो मैंने स्टार्ट किया था, वो रोटी डालनी है, वो दूध आ गया। पर छोटे करो मम्मी, छोटे करो, छोटा हो जाएगा। चूंता में ले ले, डाल के चीरे आटे, ठीक है ये इसको ले जाओ। हां प्लेट में डाल दे, प्लेट में देखो, चुप कर दो बिल्कुल वहाँ से। बस। तो ये है चिड़िया का, ये चिड़िया के लिए मैंने वो डाला है ना घर वहाँ, चिड़िया का खाना खाने के लिए, तो उसके अंदर डाल रहा हूँ। रोज़ तो मम्मी दादी कोई भी डाल देता था, तो अब मैं आ गया तो मैं ही डालूँगा। अब इसके अंदर डालते हैं, थोड़ा नीचे भी गिरना चाहिए, चींटियों के लिए भी होना चाहिए, फिर चिड़ियों के लिए विद चींटियों के लिए। और अब मैं जा रहा हूँ दादी को लेके डॉक्टर के, वो दादी तैयार ही है। तो फ्रेंड्स पहुँच गया हूँ मैं डॉक्टर के, ये आयुर्वेदिक दवाई देता है दादी को, ये आयुर्वेदिक दवाई लगती है। आ जाओ आप, लगा दियो, हाँ सही में आ जाओ, चलो। तो वो तो वैसे फ़ायदा आएगा, दवाई से फ़ायदा आ जाएगा, चल ले आ जाओ, चल चल चल। अरे तो वाला है, हाँ चलो तो फ्रेंड्स अभी आपको जो मैंने लास्ट वीडियो क्लिप दिखाई वो आपको समझ भी नहीं आएगी, वो मैं घर पे जाके दिखाऊंगा। मेरे तो हंसते हंसते पेट दर्द करने लगे, भयंकर। ये देखो ये मेरी दादी बहुत भयंकर हंसी आ रही है मेरे को। फ्रेंड्स मैं दादी को छोड़ के सीधा मंदिर चला गया था, अभी आया हूँ जस्ट। और दादी तो आप खाना भी खाने लग गई है, और आज इतना मजा आया वहाँ पे, इतना मजा आया, आपको खुदकुशी आएगी। पता क्या होगा, डॉक्टर बोला इंजेक्शन लगा दे, तो दादी ने लगा दो इंजेक्शन, जल्दी फायदा आ जाएगा। चले गए तो एक आंटी थी, वो पहले इनके बाद नंबर था, पहले जगह से हो गई जहाँ पे इंजेक्शन लगता था। पहले बहुत देर तो उनसे लड़ाई की इन्होंने कि मेरे भी दर्द हो रहा है, तो पहले मेरा नंबर है, ठीक है फिर मैं चल जाएगा, 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाएगी, पहले इनका दंद दो, वो बात हो गई। फिर उसके बाद उन भैया ने इंजेक्शन लगा दिया, हैंड टू हैंड तेज चिल्ला, क्या बोलती है कि काय खोखो लगा चल गो, मतलब क्या क्या मतलब है, और क्या ऐसे सुई लगा के चला गया, दवाई तो थी नहीं इसके अंदर, मतलब काय खोखो लगा चल गो, काय दवाई तो ठीक हो नहीं, मैं ये लगा चल गो, जो समझने लग गए तो ऐसे लग गई पूरी दुकान के अंदर। मतलब वो थी ना वहाँ पे हॉस्पिटल में भीड़ भीड़ हो रही, उनके बीच में ऐसे बोल दी क्या खोखो लगा के चले गया, इतनी भयंकर पेट दर्द करने लग गया।
फिर मैं बोला दादी लगा दी नहीं, वो तो उसके अंदर ही उसके लगाई थी ना, उसके अंदर जो बच्ची भी थी ना उसको फिर कहीं ना बेटा एडमिट लगा के हटा दिया, मेरे को तो पता ही नहीं चला। मैं बोला नहीं दादी ऐसा नहीं है, फिर उसके बाद मैं बाहर ले जाऊंगा कैसे जैसे कि नहीं लग गई समझ रहे, फिर वापस बाहर आई मेडिकल के पास और फिर वापस अंदर भाग के चली गई। मतलब वापस जाके उसे क्या बोलती है, और मैंने डाला है वीडियो जाके क्या बोलती है, काई खोपो लगाए थे अगर सही नहीं हुई ना मैं तो वापस आ जाऊंगी पैसे लेने। अरे बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा अब बहुत मजा आया वहाँ पे भी दादी को लेके आ गया मैं, बढ़िया मजा हंसी को मस्त मजे हो गए वहाँ पे। फिर वहां से सीधा इनको छोड़ के मंदिर चला गया था जस्ट खाना बताया। मेरी बहुत फनी है यार मेरी दादी देखो अभी समझ आया वो क्या बोली दादी ने, दादी बताई थी वहाँ पे कि मेरे को लगा दी ऐसे बस डायरेक्ट लगाई सुई और दवाई डाली नहीं वापस निकाल दी खाटू श्याम जी के का तो मैं जा रहा हूँ वहाँ पे पहुंचने वाला हूँ, पहले तो मैं निकला था वहाँ से बट थोड़ा आगे निकला पेट्रोल खत्म तो पैदल आ रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ मतलब सामने ही है जैसे पार्क के जिस साइड में ही है। आज ना उल्टा हो रहा है, हर जगह भाई लोगों की आवाज आती है लेकिन आज शांत है, आज माता बहनों की आवाज आ रही है, भाई लोग शांत है। माता आपने खाना पीना नहीं खा के आए क्या? अरे जोर से बोलो कितना आज हाजी तेरी बदल जाए तकदीर पूरा देरा दे। आज जयपुर के भक्तों को तो बताना पड़ेगा बिल्कुल, क्योंकि इनको नहीं पता, बताना पड़ेगा, बता दूं हम दोनों बहनों को भजन गाते गाते अचानक से चार लाइन याद आती है, कितनी थोड़ा जोर से बोलो चार, पीछे वालों कितनी चार चार लाइन, लेकिन लाइनें आप जरा ध्यान से सुनना, अगर लाइनें आपके समझ में आए या आपके दिल को छू जाए तो कुछ मत करना, जयपुर की तालियों का आशीर्वाद जरूर देना, ठीक है? वो ताली तो पहले ही बज रही है, पहले सुनो देखो भक्त कितने अच्छे हैं, पहले सुनो चार लाइन अगर अच्छी लगे तब बजाना। जो कल था उसे भूल कर तो दे और जो उसे जी कर तो दे, तेरी जिंदगी खुद पे खुद सबर जाएगी प्यारे, एक बार राधे राधे बोल के तो दे। ताली बज रही आपकी दी, तो तालियां बज रही, ये जयपुर की तालियां हैं और देखो स्टॉप नहीं हो रही, कितनी कंटिन्यू बज रही है। आएंगे शाम भागे भागे, आएंगे शाम भागे भागे, आएंगे शाम भागे, और आने के बाद क्या होगा? बंद जाएंगे बिन जंजीर, बंद जाएंगे बिन जंजीर, पूरा घेरा घेर तेरी बदल जाए तकदीर, पूरा घेरा घेर। तो फ्रेंड्स जब मैं आया था तब यहाँ पे मैक्सिमम 100 जने भी नहीं थे, 100 लोग भी नहीं थे, अभी देखो कितने सारे हो गए, हजारों हुए यहाँ पे, सब बैठे हैं मस्त यार। बट अब मैं जा रहा हूँ, 11 बजने वाले हैं तो मैं जा रहा हूँ वापस से, कितने सारे हो गए यहाँ पे, जब मैं आया था तब कोई भी नहीं था, मैं पूरा पिक्चर दिखा दूँ आपको जाके पूरा कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स देखो अब कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पे, आगे सब बैठे हैं पीछे सब खड़े हैं, देखो कितनी सारी भीड़ हो रही है यहाँ पे, और मैं तो अब जा रहा हूँ वापस घर पे। फ्रेंड्स आ गया हूँ मैं वहाँ से, मस्त इन्जॉय किया, बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मज़ा आ गया। फिर मैं तो रोहित के साथ आ गया, विशाल और दीदी बाइक से गए थे, और फिर मैं रोहित के साथ आ गया, रोहित मिल गया मेरे को वहाँ पे,
तो बहुत ज़्यादा मजा किया, बहुत ज़्यादा मजे किए। अभी तो बहुत 3 बजे तक चलेगा, तो मैं तो भूख लग रही थी, मैं जल्दी आ गया। तो आज के लोग को यहाँ खत्म करते हैं, मिलता है कल लोग के साथ, और ये मेरे ब्लॉग को डिस्टर्ब कर रहा है। तो आज के लोग को यहाँ खत्म करते हैं, मिलता है कल लोग के साथ। आप लोग अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टाटा बाय बाय, सी सून, गुड नाइट।